कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ। B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेंद्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन। जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी, कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम, सुशीला, नवनीत, अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर। जय जिनेन्द्र यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पहली ज्ञानशाला में इस अष्टोपदेश ग्रंथ के मंगलाचरण का अर्थ हमने पढ़ाया था। उसमें बताया था जिनको अपने आप ही समस्त कर्मों के नष्ट हो जाने से अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्म पद की प्राप्ति हो गई है, ऐसे उन श्रेष्ठ परमात्मा भगवान को नमस्कार हो। किसी ने प्रश्न किया, अपने आप कैसे प्राप्ति हो सकती है? तो उसका उत्तर आचार्य ने इस दूसरे श्लोक में दिया है। देखें ध्यान से, किताब खोल लें अपनी, दूसरा श्लोक निकाल लें। योग्योपादान योगेन दृश्यदा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मतामता। योग्योपादान योगेन, योग्य उपादान के मिलने से, योग्य उपादान के मिलने से दृश्यदः स्वर्णपाषाण, स्वर्णता स्वर्णपने को मता माना गया है, अर्थात स्वर्णपने को प्राप्त हो जाता है। सोना कैसे बनता है? पहले स्वर्णपाषाण आता है खानों से, स्वर्णपाषाण को फिर पीसा जाता है और पीस के फिर उसमें से सोने के कण निकाले जाते हैं, फिर उनको इकट्ठा करके फिर सोना बनाया जाता है। उपादान क्या है? उपादान है स्वर्ण पाषाण, उसमें से ही तो सोना निकलेगा। क्या लिखा है यहाँ देखो, योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण स्वर्णपने को प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। उसी तरह द्रव्यादिषु आदि संपत्तौ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के मिल जाने पर, द्रव्यादिषु आदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के संपत्तौ, संपत्तौ में यहाँ से उधर ले जानी है मात्रा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के मिल जाने पर आत्मनः अपि, आत्मा भी आत्मता मता आत्मपने को, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। ये सिद्धांत है। फिर देखें एक बार, योग्य उपादान के मिलने से स्वर्ण पाषाण स्वर्णपने को प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। उसी प्रकार योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि के मिल जाने पर आत्मनः अपि, आत्मा भी आत्मपने को प्राप्त हो जाता है। योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिला
तो अशुद्ध आत्मा शुद्धपने को प्राप्त तो हो जाता है। पंडित जी, उपादान किसे कहते हैं? जिसमें स्वयं कार्य रूप परिणमन करने की शक्ति होती है उसे कहते हैं उपादान। और कार्य रूप परिणमन करने में जो बहिरंग अंतरंग निमित्त मिलते हैं, जो कारण मिलते हैं, वो कहलाते हैं निमित्त। निमित्त कार्य रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन उपादान की योग्यता वाला भी बिना निमित्त के अपने कार्य को नहीं कर पाता। इसलिए उपादान और निमित्त, योग्य उपादान योग निमित्त के मिलने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। पंडित जी, इस गाथा में निमित्त उपादान कैसे लगाएंगे? स्वर्ण पाषाण खान से निकला हुआ जो सोने का पत्थर है, उस पत्थर में से जब बहिरंग निमित्त मिलेंगे तब उन पत्थरों को कूटा पीसा जाएगा और उसमें से सोना निकलेगा। उपादान स्वर्ण पाषाण, उसमें योग्यता है स्वर्ण परिणमन होने की। निमित्त, निमित्त वो न्यारिया, वो रिफाइनरी वाला, वो सुनार जो उसको कूट पीट करके उसमें से सोने के कणों को इकट्ठा करता है। उपादान जो कार्य रूप परिणमन करने की योग्यता वाला हो, और निमित्त जिसके मिलने पर वह उपादान से कार्य हो। निमित्त नहीं मिले तो कार्य संपन्न नहीं होता। तो यहाँ उपादान हुआ स्वर्ण पाषाण, निमित्त हुए वे न्यारिये आदि, या रिफाइनरी में देखें तो रिफाइनरी वाले जो उसको रिफाइन करके उसमें से सोना निकालते हैं, ये हुआ निमित्त। योग्य उपादान हो, योग्य निमित्त मिल जाए, सोने की प्राप्ति हो जाती। हमें अपनी आत्मा शुद्ध करने के लिए कैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए? कैसा द्रव्य चाहिए? द्रव्य मतलब मनुष्य पर्याय मिले, पंचेंद्रिय बने, उत्तम कुल में हमारा जन्म हो, शरीर को भी पहला वज्र विषम नाराज सहनन मिले, ऐसा तो द्रव्य हो, तभी तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्षेत्र कौन सा चाहिए? भोग भूमि में नहीं होगा, नरक स्वर्ग में नहीं होगा, मनुष्य पर्याय मिले और कर्म भूमि मिले, वो भी कुभोग भूमि भी नहीं मिले, और कर्म भूमि में मलेच्छ खंड ना मिले, आर्य खंड मिले, ये योग क्षेत्र की प्राप्ति है। अगर मलेच्छ खंड में पैदा हो गए तब भी कुछ होने वाला नहीं, इसलिए योग क्षेत्र मिले। तीसरा काल, काल कौन सा मिले? या तो विदेह क्षेत्र में जन्म ले ले, हमेशा चौथा काल रहता है, विजयार्थ पर्वत पर जन्म ले ले, विजयार्थ की जो नगरियां हैं हमेशा चौथा काल रहता है, वहां निर्वाण हमेशा खुला हुआ है। अगर मान लो भरत ऐरावत क्षेत्र में आर्यखंड में जन्म हो तो कौन सा काल सही रहेगा? अपसर्पणी का चौथा और उपसर्पणी का तीसरा, क्योंकि इन दो कालों में धर्म होता है, अन्य में नहीं होता। मोक्ष मार्ग इन दो ही कालों में खुलता है, अपसर्पणी के चौथे में और उत्सर्पणी के तीसरे में। तो ये काल चाहिए। अगर पांचवा छठा काल जैसे वर्तमान में है, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, शरीर योग्य नहीं है, सहनन योग्य नहीं है, कैसे होगी प्राप्ति? इसलिए योग्य काल हो। और योग्य भाव का मतलब जैसे परिणामों में विशुद्धि, शुद्धोपयोग, छपक श्रेणी, छायक सम्यक्त की प्राप्ति, ये सब चीज़ें मिले तब तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो कैसे होगी? इसलिए योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलने पर जो अशुद्ध आत्मा है, यदि वह उचित निमित्तों के अनुसार पुरुषार्थ करे तो आत्मा को शुद्ध करके और शुद्ध आत्मा बन सकता है। योग्य क्षेत्र काल भाव में अभी हमें कौन कौन सी मिली हुई है? कोई सी भी मिली हुई नहीं, इसलिए तो इस पर्याय में मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं। आत्मा को शुद्ध करने का उपाय कर लो पर शुद्धि होना संभव नहीं। कैसे? देखें जरा, योग्य द्रव्य नहीं मिला,
मनुष्य पर्याय मिली, वज्रषभ नाराज सहनन तो नहीं मिला, क्षेत्र क्षेत्र भी ठीक नहीं मिला। यहाँ पैदा होने की बजाय अगर विदेह क्षेत्र में पैदा होते तो मोक्ष मार्ग मिल जाता। काल भी ठीक नहीं मिला, यहाँ पैदा होना था तो चतुर्थ काल में जन्म लेते तब काल ठीक माना जाता, वो भी नहीं हुआ। भाव भाव तो वर्तमान में शुभोपयोगी बहुत मुश्किल है, शुद्धोपयोग तो क्या पूछो, अत्यंत विरला है। छपक श्रेणी, छपक श्रेणी चढ़ने का तो सवाल ही नहीं, छायिक सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ ना योग्य द्रव्य, ना योग्य द्रव्य है, ना क्षेत्र है, ना काल है, ना भाव है। इसलिए वर्तमान इस पंचम काल में हमको मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो सकता हमारा। तीन पुरुषार्थ हम कर सकते हैं, धर्म अर्थ और काम। आइए अब आगे का श्लोक देखते हैं। वरम व्रत ही पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम् छाया तपस्तयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान्। वरम अच्छा है, व्रत ही व्रतों के द्वारा, पदम पद प्राप्त करना देव का, व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है। न अव्रत ही वत ओह, लेकिन अव्रत के द्वारा व्रतों को धारण नहीं करने के द्वारा, व्रती नहीं बनने के द्वारा नारकम नरक पर्याय प्राप्त करना न अच्छा नहीं है। अगर हम व्रतों को धारण करेंगे कहाँ जाएंगे, देव स्वर्ग बनेंगे, और अगर व्रतों को धारण नहीं करेंगे पाप रूप प्रवृत्ति में लगे रहेंगे तो नरक में जाएंगे। अच्छा कौन सा है, देव पर्याय पानी अच्छी है, नारकी पर्याय पाना अच्छा नहीं। तो यहाँ कहा है वरम अच्छा है व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना, न लेकिन अच्छा नहीं है ओह अव्रत ही व्रतों को धारण न करके नारक पर्याय प्राप्त करना अच्छा नहीं। उदाहरण दे रहे हैं आचार्य, छाया माने छाया, आतप माने धूप, इष्ट माने धूप में जो खड़ा हुआ है, उन दोनों में अंतर है। किस कार्य में, प्रतिपालय तोर महान, प्रतिपालयतः अर्थात प्रतीक्षा करने में महान महान अंतर है। आचार्य ने उदाहरण क्या दिया, आपके साथ कोई एक व्यक्ति साथ जाने वाला था, लेकिन उसने कहा आप चलो मैं आता हूँ, लेकिन आपने फोन किया भाई तुम आए नहीं, बोले रुक जाओ 5-7-10 मिनट मैं आता हूँ। अब सोचें गर्मी के दिन हैं, आप छाया में खड़ा होना पसंद करेंगे या धूप में? अगर आप धूप में खड़े हैं आपको कष्ट मिलेगा, छाया में खड़े हैं तो आपको आराम मिलेगा। दो व्यक्ति हैं, दोनों में सुखी कौन, छाया वाला, दुखी कौन, धूप वाला। तो कह रहे हैं यहाँ पर जैसे छाया में और धूप में खड़े होकर प्रतीक्षा करने वालों में महान भेद है। एक एक शब्द देखिए, जैसे छाया में और धूप में खड़े होकर प्रतिपालय तो प्रतीक्षारत दोनों में महान भेद है, ऐसे ही व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना श्रेष्ठ है। छाया में खड़े होकर इंतजार करना अच्छा है, लेकिन अव्रत ही व्रत न धारण करके पाप रूप प्रवृत्ति करके नरक पद पाना श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए व्रतों को धारण करने में अपनी रुचि बनानी चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? एक सूत्र पढ़ाया था हमने आपको, तत्वार सूत्र अध्याय 7 में पहला सूत्र था, हिंसा नतस्ते या ब्रह्म परिग्रहे व्यो वीरतेर व्रतम।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनका त्याग करना इसका नाम व्रत है। जब तक हम पांच पापों में उलझे रहेंगे तब तक मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? नरक पर्याय मिलेगी। इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि व्रत, व्रत माने पांच पापों का त्याग करो। पांच पापों का त्याग कितनी प्रकार से होता है? तत्वार सूत्र का अगला सूत्र था देश सर्वतोण महती। एक देश त्याग करना अणुव्रत है, सर्वदेश पापों का त्याग करना महाव्रत है। श्रावकों के द्वारा जो पांच पापों का त्याग किया जाता है उसे हम अणुव्रत कहते हैं, देशव्रत है ये। और मुनि महाराज के द्वारा जो पांचों पापों का संपूर्ण रूप से त्याग किया जाता है वह महाव्रत है। ये दोनों व्रत हैं। यदि सम्यक दर्शन नहीं हो तो फिर व्रतों से क्या लाभ होगा? आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर आपने व्रत धारण किए और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो व्रतों का वो फल नहीं मिलेगा जो फल सम्यक तो सहित होने पर मिलेगा। लेकिन एक बात पर और विचार करें आप, अगर सम्यक दर्शन नहीं है मान लो, और आपको अभी पहला गुणस्थान मिथ्या दर्शन है और आप व्रतों का पालन करते हैं, तो कम से कम पाप करने वाले से बहुत अच्छे हैं या नहीं? आप व्रतों का पालन करें और सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। कितने पाप से आप बचे हैं? बहुत से लोग क्या कहते हैं, अभी तो हम पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगे हुए हैं, पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें फिर व्रतों की बात करेंगे। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में उन्होंने अपनी सारी उम्र निकाल दी, फिर व्रतों को प्राप्त नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं। आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति में लगे हैं, आपको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये थोड़ी मालूम पड़ेगा। व्रतों को धारण करने में तो लाभ ही लाभ है। मान लिया क्षुल्लक पर्याय धारण कर ली, आरिका बन गए, अब तो सुबह से शाम तक स्वाध्याय, सामायिक, तत्व चर्चा में 24 घंटे निकलेंगे। और अगर गृहस्थी में फंसे तो 24 घंटे राग द्वेष पाप कार्यों में निकलेंगे। सम्यक दर्शन हो जाए तो व्रतों का अद्भुत फल मिलता है, मोक्ष प्राप्ति। और सम्यक दर्शन नहीं हो तो भी लाभ तो है ही, सांसारिक सुख तो प्राप्त होंगे ही होंगे। इसलिए व्रतों को धारण करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं क्या यह मालूम पड़ सकता है? हाँ, अगर अवधि ज्ञानी, मनप्रिय ज्ञानी या केवल ज्ञानी भगवान के सामने आप हो, वो तो स्पष्ट बता देंगे आपका गुणस्थान कौन सा, सम्यक तो हुआ या नहीं। लेकिन वर्तमान में उनका अभाव है, हम अभागे हैं, हमें उनके दर्शन नहीं प्राप्त, फिर कैसे मालूम करें? इसके लिए दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा की जो टीका लिखी है पंडित जयचंद जी ने, बहुत उपयोगी है, आप सबको पढ़नी चाहिए। फिर नोट कर लें, दर्शन पाहुड़ की पंडित जयचंद जी की दूसरी गाथा की टीका, उसमें उन्होंने लिखा है मुझे सम्यक तो हुआ या नहीं, और सामने वाले को सम्यक तो है या नहीं, क्या इसका कोई थर्मामीटर है? उन्होंने लिखा है तो सही, क्या है? सामने वाले में या अपने में क्या करो, चार गुणों को देख लो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। क्या मतलब होता है इन चारों का? प्रशम सबसे पहले, कषाय की मंदता है या नहीं सामने वाले में या मुझ में? मेरी कषाय मंद हो गई है, समझना, हाँ मैं सम्यक की ओर अग्रसर हूँ। प्रशम माने कषायों की मंदता। संवेग, संसार से भयभीत पना, हमको संसार बहुत अच्छा लगता है आजकल, संसार में सुबह से शाम तक उलझे रहते हैं। हमने देखा सारे बाल सफ़ेद हो जाए, 80 वर्ष की उम्र हो जाए, फिर भी नाते पोतों में उलझे रहते हैं, ये संवेग नहीं। संवेग का मतलब होता है संसार से डर,
ये कब संसार छूटे, देखें अपने में है या नहीं। तीसरा अनुकंपा, जीव मात्र की दया। कुछ भी खाता पीना चलना फिरना उठना बैठना मुझसे जीव हिंसा नहीं हो जाए, ऐसी आपकी परिणति है या नहीं। हमने माना अभी आपने अणुव्रत महाव्रत नहीं लिए, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि का ये ध्यान हमेशा रहता है मुझसे कोई जीव मरे नहीं। अनुकंपा और आस्तिक्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति है या नहीं। सात तत्व नौ पदार्थ का ज्ञान है या नहीं। अगर सही सही ज्ञान है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति में आपका मन लगता है और चारों गुण आप में है, समझना मैं सम्यक दृष्टि हो सकता हूँ। फिर भी गारंटी नहीं करनी है, सामने वाले में अगर ये चार गुण है तो सामने वाला सम्यक दृष्टि हो सकता है। ये सम्यक दृष्टि के पहचान के थर्मामीटर हैं जो हमारे देखने में आ जाते हैं। व्रतों को धारण किया फिर स्वर्ग गए तो वहाँ तो भोग भोगेंगे पंचेंद्रिय विषयों के, फिर व्रत धारण करने से क्या लाभ। दो बात, व्रत धारण करके स्वर्ग जाना आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक। आप ऐसा करें, आप व्रतों को धारण नहीं करें, पांचों पापों में लगे रहें और नरक चले जाएं, वो ठीक लगेगा। जाओ नरक, दुखों को भुगतो, हम कब मने करते हैं। पाप करोगे तो नरक मिलेगा, लेकिन देखो ऐसी गलत धारणा मत बनाना। जो व्यक्ति यहाँ धर्मात्मा बनकर सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ या नहीं, अरे हम सम्यक दर्शन में लगेंगे तो प्राप्त क्यों नहीं होगा, सोचो जरा। सम्यक दृष्टि नरक में भी बनते हैं, त्रिंश में भी बनते हैं। जब नार की मार काट करते हुए सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, जब त्रिंश स्वयंभू रमण समुद्र में पड़े पड़े सम्यक दृष्टि बन सकते हैं, तो इतनी सुविधाएं हमें पंचम काल में मिली हैं, हम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बन सकते। हम बनेंगे बिल्कुल, हम ध्यान करें क्यों नहीं बनेंगे। जब नारकियों को मारकाट करते हो सकता है तो हमें क्यों नहीं हो सकता, और सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दृष्टि मानो, व्रतों को धारण करो। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप सम्यक प्राप्ति में लगे हुए हैं और व्रतों को धारण किया है और स्वर्ग प्राप्त किया है, तो ऐसे जीव सम्यक सहित अगर स्वर्ग गए हैं, भोगों में उलझते नहीं हैं। शास्त्रों में लिखा है वो अपनी सारी आयु भर धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। यहाँ व्रतों को धारण करो और धारण करके स्वर्ग जाओ, वहाँ सागरों की आयु मिलेगी। उस आयु में क्या करो, धर्म ध्यान, नंदीश्वर दीप जाओ, पंचमेरु की वंदना करो, सीमंदर स्वामी के संशरण में जाओ, उनकी दिव्य ध्वनि सुनो, आनंद ही आनंद है। नरक जाने में क्या आनंद मिलेगा, इसलिए व्रत धारण करने में सोचना नहीं। क्या देवों में सब तरह के सुख होते हैं, क्या उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। दो तरह के देव होते हैं, एक भवनत्रिक भवनव्यासी विंतर ज्योतिषी, एक होते हैं वैमानिक। आचार्यों ने लिखा है भवनत्रिक के जो देव हैं ये नीच देव हैं, झगड़े टंटे इनमें होते हैं, इनमें धर्मात्मा नहीं मिथ्या दृष्टि अन्य मत के लोग इनमें पैदा होते हैं। जैन धर्म पालने वाला अगर मन से पालेगा स्वर्ग जाएगा, नियम से वैमानिक बनेगा। सम्यक दृष्टि तो वैमानिक ही बनता है, और वैमानिक देवों में झगड़े टंटे नहीं होते, वे तो अपना सारा जीवन धार्मिक कार्यों में बहुत अच्छी तरह लगाते हैं। इसलिए हमें क्या करना, आज हमने दो श्लोक पढ़े, दो श्लोकों में हमने श्लोक नंबर दो में क्या पढ़ा, श्लोक नंबर दो में तो पढ़ा हमारी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है, लेकिन हमें शक्ति शुद्ध होने की है, इस पर्याय में नहीं अगली पर्यायों में। हम क्या करें, हम व्रतों को धारण करें, रत्नत्रय को धारण करें, और उस रत्नत्रय को धारण करके अगर मरण भी हमारा होगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे। संस्कार यही के रहेंगे तो स्वर्ग में भी निरंतर सारी पर्याय हमारे धर्म ध्यान में गुजरेगी। आचार्य का कहना कितना अच्छा है, बिना व्रत लिए
पापी बनकर पांच पाप में उलझकर नरक पाना अच्छा नहीं। अरे व्रतों को धारण करके स्वर्ग प्राप्त करना अच्छा है। सिमंदर स्वामी नंदीश्वर दीप के दर्शन तो मिलेंगे। इसलिए हम सब श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, मैं सब मन बनाइए, अव्रती नहीं रहना, व्रती बनना है। बिना व्रत बने और कोई आनंद मिलने वाला नहीं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर वन, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन। संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन। मानस चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ एवं आयुषी मुशरफ, B123 सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती सरला जैन, वाइफ ऑफ श्री पदम प्रसाद जैन। श्रीमती सविता जैन, वाइफ ऑफ श्री धनेंद्र जैन। अंशुल जैन, पारुल जैन। जैन स्टोर, पटपड़गंज, दिल्ली। राम रतन, रत्नी देवी पाटनी, प्रकाश चंद, सारिका पाटनी, प्राची जैन, कीर्तिश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। मेड़ता सिटी, जिला नागौर, राजस्थान। दिवंगत श्री मोहन लाल जी पाटनी कलकत्ता की पावन स्मृति में सौभाग्यमल राजकुमारी, सुनील, संगीता, साहिल, प्रज्ञा एवं उत्सव कलकत्ता, टीकम सुशीला, नवनीत अनामिका, विकास, श्वेता एवं सिद्धांत बेंगलोर, बाबूलाल, शकुंतला कलकत्ता, अरविंद, रेणु एवं यशवर्धन बेंगलोर।